नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। आज हम पहुंचे हैं तीसगांव पाथरड़ी तालुका अहमदनगर जिला। तो सतीश लवांडे इनका यहाँ पर एक कुआ आप देख सकते हैं और कुएं का काम चालू है। तो काम करते हुए वर्कर लोगों ने एक सांप देखा है तो उन्होंने तुरंत तीसगांव के सर्प मित्र मनीष जी मरकड़ इनको कॉल किया, इन्होंने हमें फ़ोन किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँचा मेरी टीम के साथ और हम सब मिल करके अभी सांप को बाहर निकालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, जो भी सांप मिलेगा उसको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। कर चला तो तो दोस्तों यहाँ पर कुएं में हम उतर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुएं का काम चालू है। सारा सामान यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। काम करते हुए उन्होंने एक कोबरा सांप यहाँ पर देखा था। तो जल्द ही हम आपको ये दिखाने वाले हैं, यही कहीं पर वो पत्थरों में छुपा हुआ है। ये यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोबरा सांप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोबरा। अच्छा, वो उन्होंने देखा, भूल चूक से अगर उसको टच हो जाता है तो ये काट लेता, क्योंकि कोबरा सांप ऐसा है कि जब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तब तक काटता नहीं। जब इसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं काम करते वक्त, उसको टच हो जाता है तो ये अटैक कर लेता है। देखिए इस तरह ये कोबरा का गुस्सा, और जैसे हम इसको टच करते हैं तो आपने देखा कि इतनी देर तक हम शांत थे तब तक किसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टिक टच किया तो ये गुस्से में आया। ठीक है, तो ये है कोबरा की खासियत, ये जब गुस्से में आते हैं तो तुरंत उनका एक आक्रामक रूप ले लेते हैं। ये इसका आक्रामक रूप, फुंकारना और सामने वाले को चेतावनी देना कि मेरे पास ना है, इतना जानते हुए भी हम इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो ये गुस्से में आकर के अटैक करेगा। Thank you.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये कोबरा स्नेक, छोटा सा घाव इसके मुंह पर हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं। ये अपने पर्यावरण में जब रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। तो चलिए इसको बैग में डालते हैं बिना देर किए। देख सकते हैं अभी काटने की फिराक में है। लगाओ बैग, चलो। तो दोस्तों आपने देखा तीस गांव में एक सांप रेस्क्यू किया था कुएं में। तो यहाँ पर इस सांप को मैं फॉरेस्ट में रिलीज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सांप को रिलीज़ किया है, यह सांप अभी अपने पर्यावरण में आज़ाद है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों के रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।